हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मन्नू जोन चैनल के अंदर। मैं हूं मन्नू राजा और फाइनली वापस आ चुका हूं मैं। काफी दिनों से मैं मॉल 91 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं डाला था। रीजन ये था कि मैं कुछ कारण से मैं हॉस्पिटल पे था। वो एक्चुअल में क्या है कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और जिसके कारण मैं लगभग 8 से 9 दिनों से मैं हॉस्पिटल पे था। तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है और जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन है वो मैं अब आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। काफी सारे लोगों का मेरे पास में क्वेश्चन आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि मेरे पास जो है पेमेंट मैंने रिक्वेस्ट लगाया है, लगभग 1 वीक से पार हो चुका है। क्योंकि हम जब पेमेंट रिक्वेस्ट लगाते हैं तो वहां पे हमें एक पॉपअप आता है कि 7 डेज के अंदर में जो है आपका पेमेंट आ जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जो है आप सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हैं या फिर जहां भी आप चाहे वहां से आप कंपनी से हेल्प ले सकते हैं। कॉल तो आप कर नहीं सकते क्योंकि कॉल का तो पता नहीं इन लोगों का क्या सिस्टम है। तो अभी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है पेमेंट के रिगार्डिंग। हम पेमेंट के लिए काम करते हैं, हमारा पेमेंट जो है वो लेट आ रहा है, तो यहाँ पे तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि मेरे पास में काफी सारे लोग मैसेज कर रहे थे। अब 1 वीक जो है 1 वीक पार होके कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि 12 दिन से 15 दिन से 18 दिन से मेरा पेमेंट अटका हुआ है, तो सर हम क्या करें, हमारा पेमेंट आ नहीं रहा है। अब हमारा पेमेंट नहीं आएगा तो हम अपने यूजर को क्या दिखाएंगे, हम अपने टीम वालों को क्या दिखाएंगे जो कि वो काम करेंगे आगे, हमारा ही पेमेंट अटका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट तो लेट सही बट आ रहा है पेमेंट, ठीक है। मैंने भी 1 वीक पहले मैंने पेमेंट लगाया है, 1 वीक का आई थिंक क्रॉस कर रहा है, लेकिन मेरा भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो मैं इसके लिए मैं अपने तरफ से, ठीक है, ये कोई कंपनी या फिर किसी ने मेरे को ये नहीं किया है, मैं अपने तरफ से आप लोगों को एक बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ कि आप लोग अपना पेमेंट को कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक आपको अपना जो है एक सजेशन दूंगा जिससे आपका जो है पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा और कम से कम टाइम में जो है आप अपना पैसा को अपने पैकेट में रख सकते हो। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वहां पे आप देखेंगे आपको एक रिचार्ज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि मोबाइल दुकान वाले जो होते हैं तो उन लोगों का जो है जो भी उन लोगों का रिचार्ज का पोर्टल मिलता है या फिर वो लोग जहां से भी रिचार्ज करते हैं किसी के भी मोबाइल पे, तो रिचार्ज करने के बदले में उन लोगों को 5 से 6% का कमीशन मिलता है। 4%, 5%, 6% इस तरह से करके जो है कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको पैसा करंट में चाहिए, ठीक है, तो आपके वॉलेट पे जो भी पैसे होते हैं ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी भी मोबाइल दुकान वाले को आप अपना अकाउंट दे सकते हो मॉल 91 का, और उनको बोलिए आप, ठीक है, कि आप जो भी रिचार्ज करते हैं आप मॉल 91 एप्लीकेशन से कीजिए और यहाँ से कीजिएगा, तो मैं इसके बदले आपको मैं 5% का जो है आपको मैं कमीशन दूंगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, आप जब भी यहाँ पे रिडीम लगाते हैं बैंक पे या फिर पेटीएम पे, अगर आपका अकाउंट केवाईसी है तो 5% वहां पे चार्ज के लिए बोलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपका अकाउंट में केवाईसी नहीं है तो आपका 20% चार्ज कटेगा। तो आपका जो यहाँ पे 5% चार्ज कट रहा है तो वो 5% आप क्यों ना किसी मोबाइल दुकान वाले को दे दो या फिर जो भी आपके पास में रिचार्ज करवाने आते हैं तो आप रिचार्ज करके अपना पैसा निकालो। मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो ये है कि आप रिडीम ना लगा के आप डायरेक्टली रिचार्ज करके आप अपने पैसे यहां से निकालो तो बेटर होगा और इससे जो है आपका पैसा जल्दी आपके पैकेट में होगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अपनी तरफ से, और मैं भी अभी फिलहाल यही कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक जो रिडीम लगाया था और वो रिडीम लगाने के बाद में अभी मेरा पेमेंट जो है अटका हुआ है, पेमेंट आया नहीं है, तो मैं आपको एक बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ जो कि मैं अभी करने वाला हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। अधिकतर मैं रिचार्ज ही कर लेता हूँ क्योंकि रिचार्ज करने से क्या होता है कि लोग जान भी जाते हैं कि रिचार्ज होगा, मेरे पास में जो भी पैसे है तो मैं उसको रिचार्ज कर सकता हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि पैसे जो है हैंड टू हैंड मेरे को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना वहां पे आपको जो है चार्ज भी नहीं कटेगा। अगर आप खुद से करते हो तो आपका चार्ज नहीं कटेगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी मोबाइल दुकान वाले को जो है दे देते हो अकाउंट तो आप उनको 5% करके आप उनको पैसा दे सकते हो। 5% तो ऐसे भी वहां पे लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट अगर केवाईसी तो 5% आपका पैसा कटेगा। तो आप बेटर, मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ कि आप किसी मोबाइल दुकान वाले को दे दीजिए। अगर आपकी इनकम बहुत मतलब जो है बड़ी मात्रा में डेली के 100, 200, 300 अगर इस तरह से आ रहे हैं तब मैं बोलूंगा कि आप किसी मोबाइल दुकान वाले को दे दीजिए। अदरवाइज अगर आपका कम इनकम है डेली का 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इस तरह से करके अगर आ रहा है ना तो एकदम आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप खुद से कीजिए, 0% चार्ज में आपका पैसा पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है ना आप अपना पैसा निकाल सकते हैं और हैंड टू हैंड आप पैसे ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको बताया है कि कैसे जो है आप अपने पैसे को तुरंत में यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आप लोगों को यह सजेशन अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग जरूर यूज कीजिए जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो, और अपनी टीम के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि आपकी टीम जो है वो एक्टिव रहे और सही तरीके से काम करे। तो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।